कोई भी एथलीट यदि 70 मीटर का मार्ग क्रॉस करता है तो डॉक्टर प्रवेश गाबा की तरफ से इनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। ट्रैक को खाली रखें, आज का इंग्लिश सेशन का हमारा पहला खास इवेंट अभी आपके सामने शुरू हो चुका है, 5 हजार मीटर बॉयज एंड गर्ल्स। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ट्रैक को खाली रखे, बड़ा ही सुंदर एरिना है कल, और यहाँ जो एथलेटिक्स कोच है श्री सतीश जी, श्री ऋषि जी, श्री राणा जी, रोहित सैनी जी, ये सभी इनकी टीम का एक बेहतरीन नमूना है। इतना अच्छा ग्राउंड उन्होंने मेंटेन कर रखा है, और अभी आप देख रहे हैं कि साइड में जो प्रोसेशन का काम चल रहा है वो भी एथलीट्स के लिए ही है। यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल बनेंगे, एक वर्ल्ड क्लास का हॉस्टल तैयार किया जाएगा जिसमें एक्सीलेंसी भी निकट भविष्य में शुरू होने जा रही है अच्छे एथलीट्स के लिए। तो बड़ा ही अच्छा ग्राउंड यहाँ आपके सामने तैयार होने लग रहा है। ग्राउंड तो आपका बिल्कुल सही है, प्रसाद में जो और सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। और यहाँ के एथलीट्स को श्री सतीश जी, श्री ऋषि जी, रोहित सैनी जी का सराहनीय प्रयास है कि वो कैसे यहाँ खेल को आगे लाए और हरियाणा में पनाल का नाम चढ़ाए। और इसी कड़ी में डॉक्टर प्रवेश सूरी जी है, डॉक्टर प्रवेश बाबा जी है, डॉक्टर मनन जी है, ये समय समय पर एथलीट्स को प्रोत्साहित करते रहते हैं आर्थिक मदद के साथ, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके साथ है, सामाजिक रूप से उनके साथ है ताकि उनका करनाल आगे बढ़ सके और हरियाणा में नहीं भारत में अपना नाम रोशन करे। पूरी टीम एथलेटिक्स हरियाणा से बताना चाहूंगा जो हमारे करनाल में अभी बहुत बड़ा एथलेटिक्स का स्पोर्ट्स का एनवायरमेंट जो बना है उसका पूरा अहंकार और मतलब कह सकते हैं कि पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर्स को जाता है जो पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ मतलब हर तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों के ना सिर्फ आर्थिक से बल्कि उनके स्पोर्ट्स इंजरी से भी उनके फ्री में उनका इलाज किया और वो स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट किया। इसमें अहम निवेदन हमारे डॉक्टर सुधीर सिंह का, सुरेश गाबा जी का और हमारे और भी डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर मनन से नॉन बॉम्बिंग का भी उन्होंने मुहिम को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और हमारे करनाल अभी इस स्टेज पर है कि आने वाले समय में मैं आपसे कहूँगा कि करनाल बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। आज के इस खेल जगत में सबसे बड़ी समस्या है डोपिंग। एथलीट अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, शक्तिवर्धक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर मनन विशेष रूप से एक मुहिम चला रखी है करनाल में कि खिलाड़ी किस प्रकार शक्तिवर्धक दवाओं से दूर रहे। ट्रिपल चेस के एथलीट से रिपोर्ट ली गई है, अन्यथा हम इस इवेंट को कैंसिल कर रहे हैं। जो अगले एथलीट हैं उनको हम पोजिशन में निकाल रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों को जो पहले 3 पोजिशन है वो कृपया स्टेज पर श्री राजीव खत्री जी से संपर्क करें, श्री विकास गहलोत जी से संपर्क करें, मैन तीनों एथलीट श्री विकास गहलोत जी और श्री राजीव खत्री जी से संपर्क करें।
श्री वरुण जी और मोदी जी जेसीआई की तरफ से हमारे मित्र अजीत को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं अपने जुड़े अध्यक्ष की तरफ से पूरे जेसीआई को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सारी सामाजिक संस्थाएं करनाल एथलेटिक्स को या किसी भी गेम्स को बनाने के लिए लगी हुई है। ये हरियाणा में पहला ऐसा जिला है कि सारी की सारी सामाजिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो चाहे और सामाजिक संस्थाएं हो, सभी अपने करनाल के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। तो निश्चित रूप से उनका ये कदम सराहनीय है और करनाल एथलेटिक्स को या करनाल के एथलीट्स में किसी भी गेम के चाहे वो एथलीट है उनको उनका पार्टिसिपेट करने में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। यदि ऐसे संस्थाएं ग्राउंड पे आती रहेंगी, बच्चों को मोटिवेट करती रहेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे एथलीट्स अपने प्रदर्शन पर उत्साह लेकर हुए जाएंगे और अपने हरियाणा का गौरवान्वित करेंगे पूरे भारतवर्ष में। श्री श्री सी एथलेटिक्स कोच, श्री ऋषि जी एथलेटिक्स कोच, सतीश राणा जी, मोहित सही जी ये ग्राउंड का जिम्मा संभाले हुए हैं। ट्रिपल चेस गर्ल्स अंकिता, प्रीति, विजेता ये तीनों एथलीट आ जाए मेडल सेरेमनी के लिए। अंकिता, प्रीति और विजेता, प्रीति आ चुकी है, अंकिता और विजेता भी आ जाए मेडल। ट्रिपल चेस गर्ल्स
अंकिता और विजेता जय मेडल सेरेमनी के लिए ड्रीम की आ चुकी है फीमेल आर्मी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व की। वाइस स्पीकर से अभी इसे रिपोर्ट लेगी इन्होंने, यदि आप रिपोर्ट नहीं करते तो नेक्स्ट स्थान पर समायोजित करने में बात से अनुरोध है, कई बार अनाउंस हो चुकी है। विजेता करनाल से करनाल की एथलीट जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है 3000 मीटर सिंपल जेट में, मेडल सेरेमनी के लिए आगे विजेता जी, 270 साल लगी है।